Hey guys, welcome back to my vlog. My name is Raghav and you are watching Mr. Neat Vlogs. अभी मैं हूँ ओरछा में और शाम के बज रहे हैं 4:30। सुबह मैं आ गया था ग्वालियर से इधर, मुझे थोड़ा सा काम था ओरछा में और अब जा रहे हैं मंदिर की साइड घूमने के लिए। अभी देखते हैं क्या क्या खुला है क्या नहीं खुला है, तो सब जाके पता करेंगे और आपको आगे ब्लॉग में बताते जाएंगे। भाई सनसेट भी होने वाला है, हम लोग सनसेट के टाइम पे निकल रहे हैं। चलो जी चलते हैं, मुझे पकड़ो। चलो सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बेतवा नदी के घाट पर और पीछे कुछ मंदिर हैं। अब ये पता नहीं मंदिर हैं या किला टाइप का है, लेकिन लग तो मंदिर जैसे रहे हैं। अभी पता करते हैं क्या है। सनसेट देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी हो रही है, बाबा गाना गा रहे हैं। तो अभी वहाँ चलते हैं नीचे बोटिंग के लिए। तो एक तो बोटिंग चल रही है यहाँ पर और एक स्टीमर चल रहा है। मेरा तो मन कर रहा है स्टीमर में जाने का। और 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये स्टीमर का, और बोटिंग का मैं आपको पता करके बताता हूँ। एक मिनट अंकल, बोटिंग के क्या चार्जेस हैं? नहीं बोटिंग का, इसका इस वाली का बोटिंग इसका 200 रुपये एक बोट का 200 रुपये। कितने लोग जा सकते हैं? 4 लोग। और स्टीमर 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 100 रुपये एक आदमी। दो दे दो। ग्वालियर तो स्टीमर का टिकट ले लिया। हम दो लोग हैं, मैं और मेरा भाई। तो अभी स्टीमर आ रहा है तो स्टीमर में जाएंगे। लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, ठीक है। क्या करना है अभी, कितनी देर बाद जाएंगे अपन? अब बोट आ रही है आपके? बस हम दोनों ही हैं। उनके बाद जाएंगे हम, उनके साथ ही जाएंगे। और काफ़ी लंबा राउंड ले रहे हैं यार ये, आगे से लेके पुल से, यहाँ से पूरा पीछे से लेके वो पूरा वहाँ तक लेके जा रहे हैं। मज़ा आ गया इसमें तो। और उनकी लाइफ जैकेट देते हैं वापस।
हाँ क्या अंकल? हाँ खींची थी ना, हाँ सही रहा, मजा आया। थैंक यू अंकल। ये जो मैं बिल्डिंग्स बता रहा था आपको, ये वाली बिल्डिंग्स, ये छतरी बोलते हैं इनको। और ये इसके अंदर जाने के लिए जो किले का टिकट होता है वही टिकट लगेगा। अभी फोर्ट तो बंद हो गया, नहीं तो हम फोर्ट भी जाते। मंदिर अब खुलेगा शाम को 7 बजे के करीब, 7 बजे खुलेगा। दिन में सुबह 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक खुलता है, और रात में खुलता है 7 बजे से लेके शायद 9 या 9:30 बजे तक खुलता है। और ये जो छतरियाँ हैं इनका टिकट आपको फोर्ट के टिकट में इंक्लूडेड रहता है। अभी देखो यार टाइम हो रहा है 5:30 और कितना अंधेरा सा होने लग गया है। ये एक स्टॉल लगा हुआ है, एक स्टॉल ये लगा हुआ है, इस पर मैगी वगैरह कुछ मिल रही है, इस पर फास्ट फूड है, इस पर फास्ट फूड है। अभी हम लोगों ने चाउमीन मंगाई है और सैंडविच, तो अभी सैंडविच आ रही है, चाउमीन आ गई, जब तक चाउमीन खाते हैं। शाम के टाइम लाइटिंग हो जाती है तो देखो ऐसा लगता है ओरछा के अंदर सही लाइटिंग हो रही है यार। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा लेकिन अच्छा लग रहा है। अगर ये आई लव ओरछा में भी लाइटिंग दे देते ना तो बड़ा ही प्यारा लगता है ये वाला सीन, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये भाई बाबा की तारीफ है यार, सुबह से बैठे हुए हैं ये। मैं सुबह आया था तब भी बैठे हुए थे यहीं पे। और यार पूरा अंधेरा हो गया अभी भी बैठे हुए हैं। ये भूल भुलैया पूरी, और रात को तो ये बंद रहती है, दिन में जा सकते हैं इसके अंदर। और इधर सामने मंदिर वो, तो ऊपर भूल भुलैया देख के आते हैं रात में कैसी लगती है भाई। डेयरिंग काम करते हैं। ये टॉमी भी हमारे साथ जा रहा है ऊपर तक, और वो सामने फोर्ट है, काफ़ी सारी लाइट लगी हुई है। हेलो, और ये भूल भुलैया के ऊपर से दिख रहा है नज़ारा। भाई 6:30 हो गया है, 7 बजे मंदिर की आरती होती है। अभी चल रहे हैं अपन मंदिर के अंदर, प्रसाद ले लेते हैं, शूज उतार देते हैं। शूज उतार दें? हाँ निकालते हैं। अंकल भीड़ कितनी है अंदर? थोड़ी बहुत भीड़ है। थोड़ी सी है। ओके प्रसाद दे दो आप। प्रसाद भी ले लिया है। चलो चलो भाई, गेट भी खुल गया, अंदर जा सकते। और ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है यार, ये सही लग रहा है ये तो बहुत। चलो अंदर चलते हैं। सो ओरछा रात में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये देखो कितना सही लग रहा है। ये रहा जी मेन गेट, राम भगवान का मंदिर है, अंदर चलते हैं। फोटो खींचना ना, ये मोबाइल बंद कर लो। हाँ हाँ, श्री राम लाला की फोटो खींचना सख्त बना है, ध्यान दें मंदिर के अंदर जो सज्जन मोबाइल लिए उसके बंद करके रखें, मोबाइल के अंदर आप लोग बंद करके रखें। श्री राम लाला सरकार की 7 बजे आरती प्रारंभ होगी, दर्शन करें, दर्शनों का लाभ लें, कैमरे मोबाइल आप लोग बंद करके रखें मंदिर के अंदर पकड़े। भाई दर्शन हो गए हैं, और फोटोग्राफी 1% भी अलाउड नहीं थी, आपने देख ही लिया होगा। तो अब चलते हैं होटल की तरफ। गाइस पहुंच गए अपने होटल में, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तुम क्या एसी चला रहे हो? एसी क्यों चला रहे, पागल हो क्या, ठंड हो रही है। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, एसी बंद कर दो। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। छोटा सा था, ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि कुछ था ही नहीं ओरछा में करने को ऐसा कुछ खास, तो इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप सो आपको ब्लॉग पसंद आया होगा,
ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।